श्रद्धालुओं ने मांगी रोजगार की मनोकामना। नवरात्रि के पावन अवसर पर माता के दर्शन के लिए सप्तमी को बिलासपुर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन पदयात्रा करते हुए बिलासपुर से 25 किलोमीटर दूर रतनपुर महामाया देवी के मंदिर पहुंचे। इस बीच नवरात्रि के सातवें दिन शाम से रात्रि तक पूरे रास्ते पर श्रद्धालुओं एवं पदयात्रियों के लिए सामाजिक संस्थाओं द्वारा भोग प्रसाद, फल, चाय, दूध, अन्य सामग्रियों का वितरण किया जाता रहा। इस दौरान भीड़ भरी रास्तों पर अवसर का फायदा उठाते हुए कुछ उपद्रवियों द्वारा उपद्रव की भी सूचना मिलती रही। प्रशासन ने अपना कार्यभार बखूबी संभाला हुआ था। वही श्रद्धालुओं ने रोजगार की भी मांगी। जय माता दी। क्या नाम लिखते हैं आप? रितिका तिवारी जी। कहाँ से आए हुए हैं आप? बिलासपुर। रितिका जी, कैसा अध्यात्म को आप किस विधि से देखते हैं? आप बोलते परमात्मा एक है, तो इसमें से अगर कुछ बोलना चाहें, परमात्मा एक है लेकिन आप माता दुर्गा के दर्शन के लिए आई हैं, तो कुछ अगर बोल पाए अपने शब्दों में बता पता हमारे दर्शक को बताएंगे। देखिए, हम लोगों के लिए तो सभी को एक है, और रहा दुर्गा माता का बात, तो हम लोग ऐसा नहीं मानते कि हिंदू मुस्लिम जो अलग अलग होते हैं। हम लोग सभी दर्शन के लिए जाते हैं और वैसे ही हर हमेशा आते हैं, हमेशा एक ही सब मानते हैं, चाहे जो भी फेस्टिवल हो हर फेस्टिवल एंजॉय करते हैं। देखिए बताइए, आपका नाम क्या सर? मेरा नाम अजय सोनी है। आप कहाँ से हैं? बिलासपुर से ही। क्या कहना चाहेंगे अजय जी की माता दुर्गा के दर्शन के लिए सातवां दिन अष्टमी को मूल माना जाता है, इस रतनपुर का कुछ इतिहास अगर बताना चाहे तो हमारे दर्शक को बताएंगे। जैसा रतनपुर जो है ना, ये जो नगरी है माया माता की नगरी, इसका जो स्थापना किया था वो रतनदेव प्रथम ने किया था, लगभग 1050 के आसपास कलचुरी शासक थे वो, और उन्होंने ही क्या किया था, जो महामाया मंदिर है, महामाया माता का मंदिर, उन्होंने निर्माण कराया था, और तभी से जो है ये जो बहुत ज्यादा आस्था का केंद्र रहा है। तो 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है, तो शक्तिपीठ के नाते जो है माता शक्ति माता सती के जो यहाँ पे जो अवशेष है वो गिरे हुए थे, तो इसलिए इनका बहुत ज्यादा पौराणिक महत्व हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा भी हम देखें तो बिलासपुर का से बहुत नजदीक होने के कारण बिलासपुर तथा आसपास के जितने भी श्रद्धालु हैं यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। वैसे तो 9 दिन में पूरे 9 दिनों की क्या रहती है इसमें आस्था का रहता है, जैसे तो पंचमी, सप्तमी और अष्टमी में जो बहुत ज्यादा मान्यता रहती है, तो लगभग जितने भी श्रद्धालु हैं वो पद यात्रा करते हुए पूरा बिलासपुर से यहाँ आते हैं और अपनी आस्था को जो है माता के चरणों में अर्पित करते हैं, उसके परिणाम स्वरूप जो है दर्शन करते हैं। तो ये मान्यता रही है कि हम लोग वहां से पैदल आते हैं रतनपुर और उसके बाद जो है यहाँ दर्शन करते हैं। दर्शकों, हम आपके सामने फिर से पहुंचे हुए हैं माँ महामाया देवी के दरबार पर, जहां आज श्रद्धालुओं की उमड़ी हुई भीड़, एक अच्छा ग्रुप हमको देखने को मिला जो बिलासपुर से यहां तक माँ महामाया के दर्शन के लिए इस रात को आया हुआ है। उनसे पूछेंगे वो क्या, कैसी आस्था है, क्या मन्नत लेकर के आए हुए हैं, कैसी नवरात्रि में इनकी गतिविधियां रही और क्या ये चाहते हैं माता के दरबार में। साथ में अध्यात्म से जुड़ी हुई कुछ इनसे क्वेश्चन भी करने की कोशिश करेंगे, इनसे उसका आंसर सुनेंगे, देखेंगे क्या ये बोलते हैं। आगे देखते हैं, ये इनसे हम इनका नाम पूछते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी, मेरा नाम उमा शंकर बंजारे है, मैं बिलासपुर से आया हूँ। सर्वप्रथम माँ महामाया की जय। जैसा कि आप सब जानते हैं, रतनपुर छत्तीसगढ़ का पौराणिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल है। पर नवरात्रि अष्टमी को हर साल यहाँ श्रद्धालुओं का जो हर्षोल्लास के साथ यहाँ आवागमन लगा रहता है, हम लोग भी उसी हर्षोल्लास के साथ यहाँ आए हैं रतनपुर में अपनी इच्छाओं को लेकर। और हम लोग आज अष्टमी के दिन रात 11 बजे बिलासपुर से निकले थे। अगर इसके ऐतिहासिक परिदृश्य के बारे में जाने तो रतनपुर जो है, कलचुरी जब शासन काल था यहाँ छत्तीसगढ़ में, तो उस समय रत्नदेव प्रथम द्वारा यहाँ महामाया मंदिर का निर्माण किया गया था, जो आज तक इसी कुंवार जो नवरात्रि में हर साल यहाँ नवरात्रि मतलब मनाया जा रहा है। इनकी मनोकामना भी पूछते हैं, ये इतने सारे यहाँ पब्लिक बैठे हुए, सबकी अलग अलग रिव्यू लेने की कोशिश करते हैं। क्या मनोकामना है आपकी यहाँ आने से? मेरी मनोकामना तो यही थी कि हम अब स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट की यही मनोकामना रहेगी कि सबसे पहले जॉब लग जाए। तो पढ़ तो लिख रहे हैं लेकिन कहीं कहीं आस्था जुड़ा रहता है मन में, तो हम वही मनोकामना है कि माता रानी से ही दुआ करते हैं कि जल्दी हम सफल हो जाएं, फिर अपना देश समाज सबकी सेवा करें। अगले भाई से पूछते हैं, सर आपका क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम है भावेश कुमार साहू और मैं आया हूँ सखरी बिलासपुर से ही। अभी हम सारे जो है वो स्टूडेंट्स हैं, हम जैसा कि जानते हैं कि यहाँ की बहुत मान्यता है, तो हम सभी जो स्टूडेंट हैं अभी स्ट्रगलिंग मूवमेंट में हैं, और देखने को ये मिल रहा है कि काफी सब ऐसे पोस्ट नहीं आ रहा है। बेसिकली हम लोग शिक्षक भर्ती वाले हैं,
तो हम अपनी मनोकामना ये लेके आए हैं कि जल्द से जल्द गवर्नमेंट शिक्षक भर्ती करे ताकि हम सभी की नौकरी लग सके। जय माता दी, जय माता दी। देखिए इन्होंने कहा, इन्होंने भी वही बात कहा, पढ़ाई के संबंधित ये माता जी से मनोकामना मान रहे हैं। मैम क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम निकिता सिन्हा है। मैं भी शिक्षक भर्ती से मतलब बोलना चाहती हूँ कि जैसे ही जैसे मतलब हम लोग पढ़ते जाते हैं उम्मीदें कम होती जाती है क्योंकि सरकार ला ही नहीं रही है कुछ उम्मीद, तो हम लोग भगवान से वही प्रे करने आए हैं ताकि गवर्नमेंट कुछ सोचे हमारे लिए। ये कहना चाहता हूँ कि सब भगवान से आप प्रार्थना करें, तो सरकार से क्या आप लोगों ने कुछ ऐसा किया था, उनसे कुछ मांग कर रखी थी? जी बहुत बहुत ज्यादा किए, थक हार के हम लोग भगवान से प्रे करने आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये मनोकामना माता सुनेंगी? जी जरूर सुनेगी। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि अध्यात्म में अगर शास्त्रों को पढ़ा जाए तो इसमें क्या कहाँ पर शिव माता जी का आज के दिन ऐसा जो आप प्रतिक्रिया, जो नौ दिन की जो प्रतिक्रिया है कि अष्टमी सप्तमी पद यात्रा की मनोकामना की उपवास, ये आप अगर पढ़े होंगे तो किस शास्त्र में पढ़े हुए हैं? जी शास्त्रों के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो ये आप परंपरा, चलिए देखिए शास्त्रों को ही मान रहे हैं, शास्त्रों से ये बात निकल के आई हुई जो परंपरा के स्तर में ये श्रद्धालु इस बात को मान रहे हैं, कुल मिला के अपनी आस्था को एक परमात्मा के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं आकर के। कौन सी एकेडमी से है? कंपटीशन एकेडमी। कंपटीशन नाम ही है, कंपटीशन एकेडमी। बहुत बढ़िया, आप लोगों को धन्यवाद हमारे साथ हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए। जी मैम आपका परिचय बताएंगे? पहले तो आप सभी को जय माता दी नमस्कार मेरी ओर से। मेरा नाम कुसुमलता कश्यप है और अभी हम लोग जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स आए हैं सारे फ्रेंड्स हम लोग बिलासपुर से आए हैं। हालांकि है तो हम लोग सभी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, मैं बस्तर से हूँ, यहाँ पे कई सारे लोग जांजगीर से है। तो अभी हम लोग सब है स्टडी के उद्देश्य से, हम लोग सभी का अभी एक ही उद्देश्य है कि जॉब पाना है।